वालेकुम। ये है चाइनीज क्या, चाइनीज टमाटर। इसको पाकिस्तान में जो है हम लोग फ्रूट के नाम से जानते हैं और पहचाना जाता है ये फ्रूट हम लोग। तो इसके बेनिफिट जो है ना बहुत ज़्यादा है। अल्लाह ताला ने इस फ्रूट में, वैसे तो अल्लाह ताला ने सारे फ्रूट्स में जो है अपनी अपनी खसूसियात रखी हैं और वो जिस्म के लिए किस तरह से मुफीद होते हैं। तो ये फ्रूट जो है वो हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ही बेहतरीन है और ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है। और इसके अलावा मेक्यूला कहते हैं कहीं पर ज़्यादा दाग धब्बे जो होते हैं ना, बिलखसूस जो स्किन के उसमें वो ये लफ्ज़ जो है मेक्यूला जो है वो यूज़ किया जाता है। तो स्किन पे जितने दाग धब्बे और ये सब चीज़ें होती हैं तो ये फ्रूट जो है उन तमाम दाग धब्बों को जो है वो कंट्रोल करता है। और इसके फायदे मुझे बहुत पसंद है, मैं खाती हूँ। एक्चुअली क्या होता है, अक्सर लोगों को जो है ना ये फ्रूट पसंद नहीं है। पता है क्यों नहीं पसंद होता? क्योंकि इसको खाने के बाद जो है ना मुँह का टेस्ट अजीब सा कसीला सा हो जाता है, तो इसलिए लोग जो है ना इसको पसंद नहीं करते और खाते नहीं। हालाँकि उनको अगर इसके बेनिफिट्स पता चल जाए ना, और अगर वो रीड करें इसके बेनिफिट्स को, लोग पढ़ें इसके बेनिफिट्स को, तो वो इसको खाना कभी भी ना छोड़ें। साल में ये एक मरतबा आता है, ये साल के 12 महीने तो रहता नहीं है। जिस तरह से आम एक मरतबा आते हैं, आम तो फ्रूट का जो है वो बादशाह, फलों का बादशाह कहलाता है। तो इसी तरीके से भी जो है ये साल में एक मरतबा आता है इसका ये स्टार्ट हो गया है ना। और इसको ये कि जब भी ये आता है ना तो मैं ज़रूर खाती हूँ, मेरे घर में कोई नहीं खाता, लेकिन ये कि मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, मुझे पसंद भी है ये। और इसको खाने के बाद जो इसका जो छिलका बचता है तो वो तो मैं आपको ये आपको करके नहीं दिखाऊंगी। खैर, वो जब इसका छिलका ये देखिए इस तरह से होता है और बहुत मज़े का होता है, ये ऐसा जेली की तरह होता है। इसको आप इस तरह भी खा सकते हैं आप इसको, या इसका छिलका अगर आप रिमूव कर सकें तो छिलका भी रिमूव करके खा सकते हैं आप छुरी से, जिस तरह से नहीं टमाटर को काटा जाता है। लेकिन ये कि छिलका ऐसे रिमूव नहीं होगा, सारी ज़ाहिर इसकी गज़ाइयत ही सारी इसके अंदर होती है। तो नॉर्मली जो है ना वो इसी तरीके से ये खाया जाता है। उसके बाद ये जो छिलका बच जाता है ना, तो इसको आप अपनी स्किन पर इस तरह से रब करें। रब करने के बाद आप इसको अच्छे तरीके से ये देखें, जैसे ये डार्क सर्कल है ना हमारे, ये इसको इस तरीके से रब करें। बस इसमें कुछ नहीं डालना आपने, जिस तरह से दूसरी टिप्स वगैरह में हम लोग नींबू डाल लेते हैं, अरके गुलाब डाल लेते हैं, एलोवेरा जेल यूज़ कर लेते हैं, और भी चीज़ें जैसे कॉफ़ी वगैरह डाल लेते हैं, तो वो हमने नहीं डालना है। बल्कि इसको इस तरीके से बिलखसूस ये डार्क सर्कल मेक्यूला, इसीलिए इसको कहा गया है कि ये दाग धब्बे जो जितनी दाग धब्बे होते हैं ना ये उनको रिमूव करता है। और इसके खाने से जो है वो आपकी स्किन में बहुत अच्छा ग्लो आ जाता है। तो ये आप इसको इस तरह से लगा कर इसको आप छोड़ दें बस, फिर थोड़ी देर के बाद आप इसको वॉश कर लें। तो आपको खुद ही इसके फवाइद जो है आप पे जाहिर होना शुरू हो जाएंगे, न सिर्फ खाने के और बल्कि इसको लगाने के भी आपको जो है ना इसके फायदे पता चलेंगे। ये देखें, अभी मैंने इसको वॉश भी नहीं किया है, मेरे चेहरे पे तो वैसे ही ग्लो आ गया है। तो इसको आप इस्तेमाल करें, और ये जब भी आपको सीजनल मिले, मौसम में जब भी आप आए तो आप इसको खाया ज़रूर करें, इसके बहुत अच्छे फ़ायदे हैं। और मैं इसको ज़रूर खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये चाइनीज़ टमाटर ना, हम लोग जिसे हम कहते हैं हम लोग।